हेलो एवरीवन, मैं प्रिया और ये हैं नेहा। सो हम लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो कैसी लग रही है नेहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नेहा पसंद ही आ रही होंगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। बैंगल पहन के बिटिया रानी इतनी बड़ी हो गई। अगर आपको इनकी मेहनत दिखे वीडियो में नज़र आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में प्लीज़ बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए, देखिए और हम रिप्लाई भी करेंगे आपके कमेंट का। तो चलो देखते हैं किस लुक को नेहा ने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर के लिए मैं इनिसफ्री का ग्रीन टी मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, हाँ मिस्टर टोनर, रोज़ वाटर, मिस्ट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मिस्ट सबसे अच्छी होती है और ये आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। इसमें ग्रीन टी है, आपको पता है ग्रीन टी कितना अच्छा है। अब मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का सीरम। मुझे सख्त मनाही है कि मत बोलना आप। हम बोल रहे हैं। कोई आपको चुप नहीं करा सकता। अब मैं यहाँ पर हिमालय का बेबी क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट फील होती है स्किन से लगाने के बाद। आज नेहा को पता नहीं क्या सूझी, आज बैक टू बैक एक इसके पहले रिकॉर्ड करी थी वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टाइटल टच करना, लिंक में पहुँच जाओगे आप। कॉमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ब्लूम का सिल्क ब्लर प्राइमर यूज कर रही हूँ। अंधेरा हो गया, वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है तो इग्नोर करना। सब तो इग्नोर ही कर देंगे, बट कुछ जन होते हैं जो अगर सही वीडियो बनाओ फिर भी उसमें सुना के ही जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे। सब अच्छाई नहीं, कुछ लोग बुराई भी देखने आते हैं, मतलब अच्छाई में बुराई। वही तो कह रहे, कुछ लोग अगर हम लोग कोई बुरा काम भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छाई ढूंढेंगे, लेकिन कुछ लोग अगर हम कुछ अच्छा काम भी कर देना उसमें बुराई ढूंढ के ही मानते हैं। एक पॉइंट गलत, मतलब कोई एक पॉइंट पकड़ ले बस उसे को सुनाते ही जाएंगे। मुझे बोली थी चाची आप मत बोलना, भड़ास निकाल रही है। ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूँ। अभी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इनसाइड का आईब्रो पेंसिल। मुझे समझ में नहीं आता किसने देखो किसने देखो। तुम मिरर में देखो, बाकी जहाँ जो दिक्कत हो रही है मैं सही करने वाली हूँ ना, हाथ नीचे कर दूंगी। कैसी है आईब्रो पेंसिल? आईब्रो पेंसिल मस्त है, बहुत। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। मैं चाय की सुस्त ले लूँ, चाहिए? नहीं। बीबी क्रीम लाइट वेट होता है, डेली के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। पॉन्ड्स का है ये, तो आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। किसी भी स्टोर में चले जाओ मिल ही जाएगा ये। सुबह आपने मुझे बताया था ना, तो मुझे भी याद आ गया। सबसे पहले ब्रश फिर ब्यूटी ब्लेंडर। हाँ, और ऐसे अब मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिटमेगा कॉम्पैक्ट बीबी क्रीम। लगाया था आईज पे, उसके नीचे कर रही हूँ। बड़ा ब्रश हो के पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट लगा लूंगी। वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट यूज कर रही हूँ। मैं आई शेडो के लिए सुगर का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें से इससे पहले फ़ैन चल रहा था, हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, और अभी जस्ट फैन बंद हो के एसी चालू कर दिए तो अब गर्मी बहुत लग रही है। जस्ट एसी चालू ही कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा रूम को कूल करने में। सीख गई बच्ची, देखते देखते
में से इसी में से ये वाला पिक कर रही हूँ। काफी नेचुरल लग रहा है, स्मोकी इफेक्ट दे रहा है, हल्का हल्का सा ब्राउन। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज कर रही हूँ। काफी अच्छा मस्कारा है तो मेबलिन का मस्कारा, मेबलिन के आई प्रोडक्ट तो कोई तोड़ नहीं है। पहले मैं मेबलिन का कोलोजल काजल यूज कर रही थी, कोलोजल मस्कारा यूज करती थी, बहुत ही अच्छा था कोलोजल आईलाइनर। अब मैं यहाँ पर सुगर का ब्लश यूज कर रही हूँ, मेरा शेड है 02। बहुत पिगमेंटेड है, आप खुद ही देख लीजिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला, इसलिए तो आपको लेके बैठते हैं, जहाँ कुछ कमी होगी आप रहोगे ना। ओके, अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ सुगर का, और इसमें है 01 शेड। सटल सा ग्लो देता है, काफी नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। अब इसमें आप देखो, मैं इसमें से ये वाला सेट लेकिन आइस के नीचे स्मच कर लूँगी क्योंकि मैं काजल नहीं यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। मेकअप सेटिंग स्प्रे डालने से ही देखो पूरा लुक हाँ चेंज हो गया, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है आपका मेकअप और लॉन्ग स्टे करता है। अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक लिए मेबलिन का सुपर स्टे मैट, हाँ मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैंने हेयर स्टाइल कर ली हुई है, अब मैं ज्वेलरी पहन ले रही हूँ। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है ओ नेहा तुम तो मैं पीछे बैठी हूँ नेहा के, मतलब पीछे तो नहीं बगल में बैठी हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रही हूँ, ये देखो बैठ के मुझे परेशान कर रही हूँ जब ये बनाती है तो इनको हम परेशान करते हंसाते रहते हैं, आज मैं बना रही हूँ तो आज मेरे में आ गई, चलो परेशान करना ही है। हमने कहा नेहा थोड़ा सा जो है वो लोज दे लो, लटके मटके झटके दिखा दो चलो भाई थोड़ी सी दुल्हन उल्हन बन जाओ। हाँ दुल्हन ट्राई करो कैसे बनती है, भाभी लगी है रोहू लगी है, हमारी बिट्टी इतनी बड़ी हो गई जॉय। अरे मेरे बात हाँ आई नहीं रहा, आ गया एक बाल निकल गया अच्छी लग रही हो नया, थैंक यू ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। डुन 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 सोए रहा नेहा का फाइनल लुक, कैसी लग रही हैं नेहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे तो आज सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, येलो कलर इनको ऊपर कुछ ज़्यादा खिल रहा है ना।
तो अगर आपको नेहा का लुक पसंद आया हो, नेहा की मेहनत दिखी हो, तो मेक श्योर लाइक कर दे इस वीडियो को। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, मेरी वाली को करो ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत की हुई है तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।